नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए देखते हैं आज की खास खबर। इस समय की सबसे बड़ी खबर, नालासोपारा के रिक्शा यूनियन लीडर विनोद कुमार सिंह एवं उनके रिश्तेदार पर बोईसर में हुए जानलेवा हमले में विनोद सिंह की मौत, घायल दोनों रिश्तेदार की हालत नाजुक। बीती रात पालघर के बोईसर स्थित वारंगड़े गांव में एक दर्दनाक और बड़ी आपराधिक घटना घटित हुई, जिसमें नालासोपारा के रिक्शा यूनियन लीडर विनोद कुमार सिंह, उनके बेटे सत्येंद्र सिंह व विनोद सिंह के भाई आनंद सिंह पर कुछ लोगों द्वारा जानलेवा हमला किया गया, जिसमें आज सुबह नालासोपारा के स्टार अस्पताल में सुबह के 6 बजे विनोद सिंह की मौत हो गई। वहीं आनंद सिंह व सत्येंद्र सिंह के नालासोपारा के अन्य अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया, जहां दोनों की हालत चिंताजनक बनी हुई है। मिली जानकारी के अनुसार बोईसर के उस प्लॉट में जहां यह घटना घटित हुई है, वहां आनंद सिंह अपनी दुकान चलाता था तथा उस प्लॉट पर स्थित दुकान में पहले भी 2 बार विवाद हो चुका था। वहीं घटना वाली रात विनोद सिंह नालासोपारा से अपने बेटे सत्येंद्र सिंह के साथ किसी काम के सिलसिले में बोईसर गया था और रात को दोनों वहीं रुक गए थे, तभी यह आपराधिक घटना वहां घटित हुई। मामले में बोईसर पुलिस ने घटनास्थल पर लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 5-6 लोगों को गिरफ्तार किए जाने की जानकारी सूत्रों से सामने आई है। पुलिस की आगे की जांच जारी है। इस घटना के बाद नालासोपारा अस्पताल के बाहर बड़ी संख्या में रिक्शा चालक जमा हो गए, जो सभी रिक्शा चालक काफी व्यथित दिखाई दिए। ब्यूरो रिपोर्ट, सेफ न्यूज लाइव। ठीक है, ये देख रहे हो, सर में 5 जगह लगा है, 3 इधर 2 इधर, आधे और डंडे से। आप विनोद सिंह के छोटे भाई हो? हम छोटे भाई हैं। इधर पैर में इधर लगा है, यहाँ पे, और फिर इस पैर में है। इस पैर में यहाँ लगा है और यहाँ लगा है। आनंद कुमार सिंह। क्या हुआ था आपके साथ? हम लोग दुकान में ताला लगा के सोए थे। रात लगभग 11:30 था। गांव के कुछ लड़के आदिवासी आके सटक पीटने लगे, बोले सिगरेट दो सिगरेट दो। हम लोग बोले कि अब सुबह में लेना, हम लोगों को सुबह उठना है, तबेला है, सुबह उठ के दूध निकलना रहता है, तो हम लोग बार बार ऐसे डिस्टर्ब ना करो, आप लोग जाओ सुबह में आके जो लेना है ले। इसके बाद नहीं माने, गाली बिली दे रहे थे। हम लोग बाहर निकले, हम थे, हमारे बड़े भाई विनोद सिंह, एक भतीजा था अंकुर सिंह। बाहर निकलने के बाद वो लोग गाली देने लगे। गाली देने के बाद आधा 1-2 मारे उन्होंने। हाँ, तो हम झूठ नहीं बोलेंगे, हमारे भाई भी 2-1 को 1-2 डंडे दिए, भाग गए। उसके बाद वो लोग फिर आए, सैकड़ों की तादाद में। अच्छा। और इसके बाद हम लोग वहीं थे सामने दुकान के, हम लोग देखे कि भीड़ ज़्यादा है तो शटर हम लोग बंद कर लिए। बंद करने के बाद वो लोग शटर ईंटा पत्थर मारने लगे, कोर मारकर लेफ्ट साइड का शटर का ताला तोड़ कर वो लोग काउंटर पर जो कांच लगा था काउंटर तोड़ डाले, उस पर जो सामान था सब सामान ले गए उठा के। हमारे लॉकर में पैसा था काउंटर में, कितना? लगभग 1,23,000 रुपया था। वो रुपया ले गए, भाई को हमारे इधर जब गला काट दिए। किस चीज से किया? अब हम नहीं देख पाए किस चीज से किए। अच्छा, गला काट दिया? गला यहाँ कट गया, राइट साइड। हाँ, राइट साइड में। अब खून का बहाव देखते हुए तो हमसे रहा नहीं गया। इसके बाद मैंने कुछ नहीं देखा। ये देखा जब हम लोग भाई को लेके शटर के अंदर आए,
इसके बाद फिर वो लोग शटर पीटना चालू किए, तो वहीं बगल का एक बंगाली मित्र था बेचारा, वो भी रूम पे रहता है भाड़े पे, वो भी आया किसी तरह, वो भी शटर दबा के रखा था। भाई का हालत हमने नाजुक देखा, मैं बोला चलो अभी जो होगा होगा, अभी पहले इनका ट्रीटमेंट। बाहर हम लोग तीन लोग लेके निकल रहे हैं, फिर वो लोग जो है डंडे पत्थर से हमको मारना शुरू किए, वो भतीजे गला कटा था भाई के, उसके बाद भी भाई को मार रहे थे डंडे से। फिर वहीं बगल में मराठी लोग थे, वो बिजली का काम करते हैं, कार्यकर्ता, वो लोग बेचारे, उनकी पिकअप थी, वही लेकर के हम लोग गए बोईसर में। और पुलिस वालों कम से कम 200 काल किया गया, एक भी पुलिस वालों का फोन उठा नहीं। 102 नंबर पे कॉल किया गया, वहाँ थोड़ी देर बाद हुई। इसके बाद अपना वो बोईसर ब्रिज जो है उसके नीचे पुलिस चौकी पर वहाँ फोन किया गया, वहाँ से सर आए थे, बोले कि अरे मोबाइल मैं तो घर पे भूल गया हूँ, हॉस्पिटल में आए थे, बोले मोबाइल मैं तो सर पे भूल गया हूँ। अच्छा, मैं बोला सर आप लोगों के चलते इतना बड़ा हादसा हुआ, नहीं आप लोग पहुंच गए होते इतनी बड़ी हादसा ना होती। क्या चाहते हैं आप पुलिस से, अभी क्या मांगे आप? अब पुलिस वाले को क्या कहेंगे, पुलिस वाले बस फॉर्मेलिटी अपना पूरा करेंगे, कागज से जो भी करना है। अच्छा, वो कौन थे, क्या उनको पहले आप जानते थे? जानते नहीं थे, पहचानते हैं, चेहरे से पहचानते हैं। कौन है तो? पहले आपसे कुछ लेना देना, कुछ ऐसा व्यवहार? कुछ भी नहीं। अच्छा, वही शादी थी और शादी में सब आए थे नए बंदे। क्या इसके पीछे कोई सुनियोजित प्लान वगैरह ऐसा कुछ आपको लग रहा था कि सिर्फ सिगरेट पीने के चलते इस तरह का की बड़ी वारदात को अंजाम? सुनियोजित प्लान इसके पहले लगभग 27 नवंबर को लफड़ा हुआ था, ये सिगरेट के ही चलते। अच्छा, क्या क्या झगड़ा हुआ था सिगरेट के चलते? यही जैसे रात में 12-1 बजे 1:30 बजे आते थे, हम दो एक बार दे दिए थे, बोले कि भाई डिस्टर्ब कर रहे थे होटल में। इनका जो डेली का ये नियम बन गया कि जब भी जाएंगे तो खुला के लेंगे, एक दिन हम लोग नहीं दिए, फिर तीसरे दिन वही मारा पीटी हुआ और फिर ये तीसरी घटना है। फोन का कोई अता पता नहीं, फोन रिसीव कर रहे हैं किधर है कहाँ है, उनको फुल एड्रेस दिया रहा है, पिन कोड नंबर दिया जा रहा है, फिर भी मौके पर नहीं पहुंच रहे हैं। अच्छा, वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा किसका लगा था? मेरा खुद का लगा था। जी जी, पुलिस कहती है वहाँ पे सिर्फ 8-10 लोगों ने ही हमला किया था, सीसीटीवी कैमरे में 8-10 लोग ही दिखाई दे रहे हैं। 8-10 दिखा दे रहे हैं, कैमरे से दूर कम से कम 70-80 खड़े थे। अच्छा, जो कैमरे की रेंज में नहीं आ पाए। हाँ, कैमरे के रेंज में नहीं आ पाए। दोबारा वो लोग आए जब भी, तो पहला तो कैमरा तोड़ दिए। ये जो पुलिस वाले बता रहे हैं कि पुलिस वहाँ कैमरे के रेंज में 7-8 थे, वो पहली बार की बात है। दोबारा जब वो लोग गए गांव में और लोगों को बुला के लाए, तो दूर पहुँचे पहले कैमरा तोड़ दिए। कैमरा तोड़ने के बाद तब वो लोग अपना हमला किए, शटर तोड़ना शुरू किए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सत्येंद्र प्रताप सिंह है। क्या हुआ था कल? सर, कल रात को हम दुकान चलाते किराने की, तो हम लोग जब दुकान बंद किए 11:30 के करीब बंद हुआ था दुकान हमारा, तो उसके बाद वो लोग आके जबरदस्ती बोल रहे थे कि सिगरेट दो, शटर का ताला तोड़ रहे थे वो लोग। तो पापा शटर खोले तो पापा बोले कि अभी सिगरेट नहीं मिलेगा, तो उसके बाद पापा के साथ वो लोग ने गाली गलौज किया, पापा के साथ हाथापाई हो गई उन लोग की। तब वो लोग गए बाहर गांव के साइड, वहाँ से और 10-15 लोगों को 25 लोगों को बुला के लेके आए, तो वो लोग आए पहले कैमरा वगैरह तोड़े, फिर पापा को हमको सबको मारे डंडे से, रॉड से, कांच से, रॉड से, फिर वो बड़ा बड़ा लकड़ा होता वो उठा के पटक रहे थे, बड़े बड़े पत्थर से मार रहे थे। एक अभी भी पड़ा हुआ है दुकान में, आप जाके देख सकते हैं, रॉड पड़ा हुआ है, कांच पड़ा हुआ है जिससे पापा का गला काटा गया था। पुलिस को फोन किया? हाँ, पुलिस को फोन किए थे हम। पुलिस उस समय नहीं पहुँच पाई थी, तो हमने उठा के पापा को हमने सामने
एक अंकल लोग लोग रहते हैं, उनके गाड़ी में रख के हम लोग पापा को हॉस्पिटल लेके आए। हमारे चैनल सेफ न्यूज़ लाइव पे